अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ में मोहम्मद उसामा गाजी और मैं हूँ आयशा ज़ुल्फ़िकार। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। मसीहाई न मिलने पर लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मजीद दो नन्हे फूल मुरझा गए। यंग डॉक्टर्स को सिर्फ मुतालबात अजीज, हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गिरफ्तारियों के खिलाफ पीएमए आज यौम स्याह मनाएगी। नेटो सप्लाई पर पाक अमरीका मुजाकरात आज फिर होंगे, जल्द मुआहदा तय पाने का इम्कान। काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास भी तलब। नेटो सप्लाई के मुतबादिल रूट ने अमरीका की जेब खाली कर दी, मजीद $2 अरब के अखराजात। पेंटागोन ने कांग्रेस से इजाफी फंड्स का मुतालबा कर दिया। जंग में चिनोट रोड पर इश्तिहारियों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, एएसआई समेत दो अहलकार जाम बहक। मुल्क के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, मानसून बारिशों के लिए अभी इंतजार करना होगा। पेशावर का देसी चटखारेदार पिज्जा, कीमत इतनी के अमीर भी खाए और गरीब भी। महंगाई ने गधों की कदरों कीमत बढ़ा दी, कुशरावाला में ₹10 फी घंटा किराए पर दस्तयाब, मुस्तकिल गाहकों के लिए डिस्काउंट पैकेज। बारिश ने मौका दिया तो श्रीलंका कोलंबो टेस्ट के चौथे रोज आज 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगा। ग्वाटेमाला में तालीमी इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज, वजीर तालीम का घेराव करने पर पुलिस का मुजाहरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग, मुतादिद जख्मी। तुर्की में डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर में टेस्ट ट्यूब बच्चों की तादाद 50 लाख हो गई। और पेरिस में फैशन वीक की रानाइयां जारी, मॉडल्स की अदाओं और जुल्फों के सब असीर हो गए।